हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। एप्पल ने रिलीज किया iOS 17.5 का बेटा 3। ये डेवलपर बेटा 3 है, पब्लिक बेटा 3 भी आपको मिल ही चुका होगा, नहीं मिला होगा तो कुछ देर में मिलने वाला होगा। तो यहाँ पे इस वाले अपडेट में क्या कुछ नया है, क्या कुछ खास है, iOS 17.5 का जो स्टेबल वर्जन है वो कब आ सकता है, ये सारी चीजें इस वीडियो में हम चेकआउट करने वाले। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे अपडेट का साइज कितना है। तो 625 MB का अपडेट आया था मेरे iPhone 15 प्लस के ऊपर, और यहाँ पे iPhone 14 Pro Max जो है, जिस पे बेटा 2 में चला रहा था, उस पे आया जो अपडेट, उसका साइज था 610 MB का। तो यहाँ पे बहुत ही सिमिलर साइज का अपडेट दोनों पे देखने मिला है। तो आपको भी अगर आपने अपडेट इंस्टॉल करना है तो 600 से 650 MB के बीच का अपडेट साइज देखने मिलेगा। इस अपडेट को करने से पहले 17.5 बेटा 2 चला रहा था मेरे अपने फोन पे। यहाँ पे अवेलेबल फ्री स्पेस जो है 63.49 GB था और मोडेम फर्मवेयर था 1.60.00। पिछले वाले अपडेट के एंड में बिल्ड नंबर के ई लेटर हमको देखने मिल रहा था, देखते इस बार क्या देखने मिलेगा। तो यहाँ पे अपडेट इंस्टॉल करने के बाद 7.5 ही देखने को मिलने वाला है। अवेलेबल फ्री स्पेस स्लाइटली बढ़ गई है, जो कि अच्छी बात है, तो हम खुश रहते हैं। और यहाँ पे नया मोडेम फर्मवेयर भी हमको देखने मिल रहा है 1.60.02। iOS वर्जन के बिल्ड नंबर के एंड में आपको F देखने मिल रहा है। अब यहाँ पे ये चीज सरप्राइजिंग है, क्योंकि F जो है वो E के बाद आता है, और जनरली जो एक के बाद एक बेटा आते रहते हैं उसमें लेटर जो है वो एक ही तरफ बढ़ते रहता है। तो यहाँ पे ये चीज जो है एक नंबर आगे चलेगी, मतलब और अब बेटा जो है इसके आने वाले हैं। चलिए फटाफट से देखते हैं इस अपडेट के अंदर क्या कुछ नया है, क्या कुछ खास है। तो पहले यूरोपियन यूनियन के लिए कुछ चीजें बता देता हूं मैं आपको। गेम सेंटर की नई सेटिंग है एप्पल न्यूज प्लस में। अपने यहां तो न्यूज प्लस भी नहीं है, तो न्यूज प्लस अगर आपके पास है और यूरोपियन यूनियन में भी आता है, यूएस वगैरह में भी आता है, तो उसके अंदर आपको न्यूज प्लस की सेटिंग्स के अंदर गेम सेंटर की सेटिंग भी देखने मिलेगी। अब यहां पे यूरोपियन यूनियन में आपको पता ही है कि साइड लोडिंग जो है वो आपको देखने मिलती है, यानी कि आप किसी भी थर्ड पार्टी ऐप स्टोर से ऐप डाउनलोड इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको एप्पल के ऐप स्टोर से ही ये चीज करने की जरूरत नहीं, और यहाँ पे आप किसी वेबसाइट से भी डाउनलोड इंस्टॉल कर सकते हैं कोई भी एप्लीकेशन। तो यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट है जो एरन जोलोटेक से है, उन्होंने शेयर किया था ट्विटर पे, तो ये उनका स्क्रीनशॉट है, उनको क्रेडिट भी मैं दे रहा हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे उन्होंने बताया कि ऐप इन्फॉर्मेशन के अंदर अगर आप देखते हैं, जैसे पेपल एप्लीकेशन है वो डाउनलोड किया गया यहाँ पे ऐप स्टोर से। तो यहाँ पे मार्केट प्लेस देखिए, ऐप स्टोर दिखा रहा है और मार्केट डेवलपर एप्पल है। अगर इसकी जगह कोई थर्ड पार्टी होता तो उसका नाम यहाँ पे मेंशन होता, क्योंकि ये चीज यूरोपियन यूनियन के अंदर ही है जो कि है साइड लोडिंग। तो यहाँ पे उन्हीं के लिए ये वाला फीचर भी आया है, जहाँ पे किस ऐप स्टोर से, किस मार्केट प्लेस से आपने ऐप डाउनलोड किया वो भी बताएगा। और यहाँ पे नया जो है एक चीज है जो कि रिलीज नोट्स के अंदर दी हुई है, वो है ई सिम सेटअप के लिए नया कोड। ये जो है यहाँ पे यूएस वगैरह के लोगों के लिए है, जहाँ पे ई सिम डायरेक्टली आप सेटअप करते हो जब फोन को सेटअप करने के टाइम पे, तो यहाँ पे यूनिवर्सल लिंक से वो लोग ये चीज कर सकते हैं। और यहाँ पे इंडिया के अंदर ये फिलहाल काम नहीं कर रहा है, स्टेबल वर्जन के बाद देखते हैं क्या है इसके अंदर खास। फिलहाल इस यूनिवर्सल लिंक से आप ई सिम सेटअप कर सकते हो। और यूरोपियन यूनियन के लिए एक और चीज है इस वाले अपडेट के अंदर, सारी चीज यूरोपियन यूनियन के लिए ही आपको देखने मिलने वाली, क्योंकि वहीं पे ये नया साइड लोडिंग है और वहीं पे सारी चीज आपको देखने मिलेगी। तो डिफॉल्ट ब्राउजर जो है आप सेट कर सकते हैं, वहां पे बहुत सारे आपको ऑप्शंस देखने मिलेंगे, यहाँ पे तो लिमिटेड है। तो उसमें भी जब आप ब्राउजर सेट करते हो नया, तो उस टाइम पे एक नया पॉपअप आपको देखने मिलेगा कि आपने ये पर्टिकुलर ब्राउजर जो है वो सेटअप किया है। मतलब कितने स्ट्रॉन्ग लॉज है उनके, और कंज्यूमर के हिसाब से कितने जो है अमेजिंग लॉज है यूरोपियन यूनियन की, ये देख के हमको लगता है कि काश हमारे पास भी ये लॉज होते तो थोड़ा मजा आ जाता हमको भी फोन यूज करने में। इसके अलावा इस वाले अपडेट के अंदर कुछ भी नया नहीं है, इतना ही था जो मैंने आपको बताया। और सारी चीजें आप देखेंगे तो ये दूसरे कंट्रीज के लिए, इंडिया के लिए स्पेसिफिकली इस वाले बेटा वर्जन के अंदर कुछ भी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि iOS 7.5 के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, तो बहुत सारी चीजें देखने मिलेगी फाइनल स्टेबल वर्जन में, जब सारे बेटास का एक कंपाइलेशन बना के मैं आपको फाइनल स्टेबल वर्जन की अपडेट करके बताऊंगा। बाकी यहां पे ये नया इवेंट एप्पल का होने वाला है 7 मई को, और ये रात में ही ऑब्वियसली इंडिया में आपको देखने मिलेगा, और हम हमारे चैनल के ऊपर उसका एक वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, जहां पे आपको हिंदी में अपनी लैंग्वेज में जो है एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ जो है नया लॉन्च होता है। नया आईपैड जो है यहाँ पे लॉन्च होने वाले, यहाँ पे इन्होंने लोगो बनाया है इस इवेंट का, इससे समझ में आ रहा है एप्पल का लोगो है, कलरफुल है, एप्पल पेंसिल से एक हाथ जो है यहाँ पे स्केचिंग, कलरिंग और ये पेंटिंग जो है वो कर रहा है। तो यहाँ पे नए आईपैड डेफिनेटली आने वाले हैं, तो अभी अगर आप आईपैड लेने वाले हो तो थोड़ा रुक जाओ, रुक कर जो है डिसीजन लेना जब नए आईपैड लॉन्च हो जाएंगे उसके बाद। अब यहाँ पे देख लेते फटाफट से फीडबैक एप्लीकेशन के अंदर रिलीज नोट जो आए हैं उसमें क्या कुछ रिजॉल्व हुआ है, क्या कुछ बाकी है। तो यहाँ पे रिजॉल्व इश्यूज में एक्सेसिबिलिटी फीचर्स है जो रिजॉल्व किए गए हैं। यहाँ पे असिस्टिव स्विच है, MFI एक्सेसरी जो है उसको यहाँ पे रिजॉल्व किया गया, वो चल नहीं रहा था। और ऐप ट्रैकिंग ट्रांसपेरेंसी वगैरह जो है उसको रिजॉल्व किया गया यहाँ पे, और कुछ न्यू फीचर्स है उससे रिलेटेड भी कुछ रेजोल्यूशन यहाँ पे दिए हुए हैं। और यहाँ पे जो न्यू ईसिम फीचर्स है वो भी यहाँ पे मेंशन्ड है, यहाँ पे लिखा है ना न्यू एप्पल यूनिवर्सल लिंक फॉर ईसिम, तो ये भी यहाँ पे मेंशन्ड है। और स्टोर किट से रिलेटेड इशू भी यहाँ पे सॉल्व किया एप्पल ने। और एक नोन इशू है वॉलपेपर का, जहाँ पे एड अ न्यू वॉलपेपर वाली जो शीट है वो लोड नहीं होती रिस्टोर करने के बाद डिवाइस को, तो यहाँ पे आप रीबूट कीजिए डिवाइस को और उसके बाद लॉक स्क्रीन से ही वॉलपेपर को चेंज कीजिए, ऐसा वर्क अराउंड दिया हुआ है यहाँ पे। तो अभी बग्स है, बहुत सारे बग्स रिजॉल्व है, धीरे धीरे वो भी रिजॉल्व हो जाएंगे। अब नेटवर्क और स्टोरेज की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे नया मॉडेम फर्मवेयर है, तो यूज करके देखना पड़ेगा कैसा रहता है इसका रिस्पॉन्स। फिलहाल तो ठीक लग रहा है, मोबाइल डेटा भी चल रहा है, वाईफाई, ब्लूटूथ, एयरड्रॉप, हॉटस्पॉट सारी चीजें काम कर रही हो। यहाँ पे रही बात स्टोरेज की, तो स्टोरेज में वैसे तो कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि स्टोरेज यहाँ पे बढ़ गया है। एक बार फिर भी आईफोन स्टोरेज खोल के हम चेक कर ही लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं, ये 128 GB वाला आईफोन है मेरा, और इसके अंदर
जो सिस्टम डेटा है ये 7.56 जीबी का है, तो बहुत ज्यादा नहीं है, नॉर्मल सा है और यहाँ पे इसके अंदर भी कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए स्टोरेज में। अब बैटरी की बात करते हैं तो बैटरी हेल्थ में चले जाते हैं, यहाँ पे आपको नॉर्मल ही देखने मिलेगा, मैक्सिमम कैपेसिटी 100% देखने मिलेगी। बैटरी हेल्थ जो है बेटा अपडेट से अभी फिलहाल डाउन नहीं हो रही, कब डाउन होगी जब iOS 18 आएगा, उसके बाद हो सकता है क्योंकि एक्सेसिव ओवरहीटिंग होती है और iOS 18 का जब बेटा वर्जन आता है उस टाइम पे गर्मी भी बहुत ज्यादा होती है एटलीस्ट इंडिया में। तो आप बताइए आपका कैसा एक्सपीरियंस था बेटा वर्जन का। बाकी ये देखिए मेरा iPhone 14 Pro Max है, इसको भी मैं आपको दिखा देता हूं, इस पे 92% बैटरी हेल्थ है। ये उसी टाइम पे गिर गई थी जब iOS 17 के बेटा वर्जन के अपडेट्स आए थे इनिशियल बेटास, और पहले दो तीन बेटास आने के बाद जो बैटरी हेल्थ गिरी थी उसके बाद ये स्टेबल हो गई थी और अभी तक 92% पे ही है। मैं इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि लोगों को लगे भाई सिर्फ 23 साइकिल वाला बैटरी काउंट वाला आईफोन आप दिखा रहे हो कि इतने सारे आईफोन सब कुछ तो मैं एक साथ यूज करता नहीं, तो यहाँ पे ये चीज मैं आपको बताने चाहता था और क्लियर भी करना चाहता था। और ये मेरा प्राइमरी आईफोन था जब तक के आईफोन 15 प्रो मैक्स मेरे पास नहीं आ गया। अब यहाँ पे परफॉर्मेंस एंड बेंचमार्क्स के बारे में बात करते हैं, तो जनरल परफॉर्मेंस तो अच्छा है, कोई इसमें मुझे दिक्कत आने रही है, रही बात बेंचमार्क्स की दो भी देख लेते हैं। पिछला स्कोर था सिंगल कोर का गीगबेंच 6 की बात कर रहा हूं, 2616 और 6621 मल्टी कोर स्कोर था, और अभी का जो है ये सिंगल कोर का थोड़ा सा घटा है और मल्टी कोर का थोड़ा सा बढ़ा है, तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही यहाँ पे जो है स्कोर आपको देखने मिलता है। और यहाँ पे रही बात जीपीयू के स्कोर की, तो इसके बेंचमार्क्स चेक कर लेते हैं, 23119 था पिछला स्कोर और अभी है 23130, एवर सो स्लाइटली बढ़ा है, मतलब जिसका कोई बढ़ना या घटना कोई माने रखता ही नहीं है। तो सेम परफॉर्मेंस जो पिछले अपडेट में था वही आपको यहाँ पे देखने मिल रहा है। आई 7.4 का बेटा 5 जो है अगले हफ्ते आपको देखने मिलेगा, हर हफ्ते में एक बेटा अपडेट जो है एप्पल फिलहाल पुश कर रहा है, और मई के मिड में आपको कहीं तो जाके या मई एंड में जाकर आपको आई 7.5 जो है उसका पब्लिक स्टेबल वर्जन देखने मिलने वाला है। क्या आपको आई 7.5 बेटा 3 पे अपडेट करना चाहिए, अगर आप बेटा 2 पे हो तो करना चाहिए, बेटा 1 पे तो करना चाहिए, अदरवाइज करने की कोई जरूरत नहीं, जो स्टेबल वर्जन चल रहा है 7.4.1 का उस पे ही रही है, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। यही दिखानी दोस्तों आई 7.5 बेटा 3 की। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया, पसंद वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।